राजस्थान की रामगंज मंडी कृषि उपज मंडी को धनिया की विशिष्ट श्रेणी का दर्जा मिला हुआ है। मंडी में आढ़ती का काम करने वाले अधिकांश व्यापारी सिर्फ धनिया खरीद के प्रति ज्यादा रुचि दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त मसाला कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ स्टॉकिस्टों की नज़र से भी यहाँ का धनिया निकटता बढ़ाए हुए है। धनिया का सामान्य सालों में सीजन फरवरी महीने से शुरू हो जाता है। जनवरी महीने में इसकी आवक थोड़ी थोड़ी चालू हो जाती है। फरवरी में गीले किस्म के धनिये की आवक का अच्छा दौर रहता है। इस बार फसल में देरी होने से हालात बदल गए हैं। गत वर्ष की तुलना में फरवरी और मार्च महीने का आकलन किया जाए तो गत वर्ष की तुलना में इस बार करीब 1,36,000 क्विंटल धनिया की मंडी में कम आवक हुई है, जो सीधे धनिये की कम बुवाई होने की बात को प्रमाणित करती है। मंडी में गत वर्ष फरवरी महीने में 79,705 क्विंटल धनिये की आवक हुई थी। वर्ष 2021-22 में फरवरी महीने में यह आवक घटकर 58,429 क्विंटल रह गई। धनिये का पीक सीजन मार्च से शुरू होता है, जिसमें अधिकांश धनिया सूखा किस्म का आता है। इसकी तुलाई के समय में दाना सूख जाने से तौल की मात्रा कम हो जाती है। गत वर्ष 2,31,198 क्विंटल धनिया मंडी में आया था। वर्ष 2021-22 में धनिये की यह आवक घटकर 1,15,000 क्विंटल पर आकर ठहर गई। मंडी में गत वर्ष मार्च महीने में धनिया कारोबार से मंडी को 1,43,06,000 रुपये की राजस्व प्राप्त हुई थी। वर्ष 2021-22 में 21,000 क्विंटल धनिये की कम आवक होने व राज्य सरकार की ओर से धनिये में करीब 34% का टैक्स कम करने से राजस्व का आंकड़ा 88,48,000 पर आकर ठहर गया था। कृषि उपज मंडी को धनिये के भावों से मंडी शुल्क प्राप्त होता है। राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 में धनिये पर मिलने वाले मंडी टैक्स को 1.60 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया था, लेकिन गत वर्ष से धनिये की कम आवक को भावों में आने वाले उछाल ने संतुलित किया। इसका असर कम गिरावट के रूप में देखने को मिला। गत वर्ष की तुलना में इस बार धनिये के भावों में 4,000 रुपये क्विंटल तक की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2020-21 में धनिया बादामी 6,100 से 6,400 था, जो वर्ष 2021-22 में 10,800 से 11,000, ईगल धनिया 6,800 से 7,000 से बढ़कर इस वर्ष 11,500 से 11,900, स्कूटर धनिया 7,200 से 7,500 से बढ़कर 12,200 से 12,500 रुपये तक पहुंच गया। वहीं जानकारों के अनुसार धनिये की कीमतों में आने वाले समय में अभी और भी बढ़त देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।